राजधानी लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र अंतर्गत शेरपुर लवल गांव में नौ युवक यतीश तिवारी की धारदार हथियार से गला रेतकर नृशंस हत्या कर दी गई। युवक का शव उनके घर से 100 मीटर की दूरी पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे खड़ंजे पर नग्न अवस्था में खून से लकपत पड़ा मिला, जिसकी खबर से गाँव में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राथमिक सूचना मिली थी कि एक यतीश कुमार तिवारी हैं, जो कि शेरपुर लवल के रहने वाले हैं, थाना निगोहा पड़ता है, उनकी हत्या हो गई है। इस सूचना पे हम लोग यहाँ पर मौका मुआयना किए हैं। उनके घर से करीब 50 मीटर दूरी पे इनका शव पाया गया है और शव की जो दशा थी उसमें गले पे इनके धारदार चोट के निशान थे। बॉडी को पंचायतनामा भर के PM के लिए भेज दिया गया है। बाकी अन्य अभी बिंदुओं पर कि इनकी कोई किसी से रंजिश रही हो या अन्य क्या कारण रहे हो, इस पर विवेचना कराई जा रही है। क्राइम ब्रांच की भी टीम आ गई है और हम लोग सर्विलांस के पार्ट में भी काम कर रहे हैं, शीघ्र ही घटना का अनावरण करेंगे। सर, किसी प्रकार का कोई किसी घर वाले शक जाहिर कर रहे हैं? फिलहाल अभी किसी को उन्होंने बताया नहीं है। फिलहाल